यमुनानगर में जहर खाने से दो लड़कियों की मौत हो गई। एक लड़की टोपरा कला और दूसरी अम्बाला के थम्बड़ की थी। यमुनानगर के निजी कॉलेज में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी दोनों लड़कियां। जहर खाने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। गुरुग्राम के बसई गांव के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर की हत्या। बैडमिंटन खेलकर लौटते वक्त सेक्टर 9 में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। नेशनल हाईवे पर एक बड़ी गांव के नजदीक खाली पड़े खेतों में एक अज्ञात शख्स का शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। मृतक के मुंह और सिर पर चोट के निशान थे। सूचना मिलने पर डीएसपी और एसएचओ पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। गोहाना एसआईटी पुलिस ने हत्या और हत्या के प्रयास के आधा दर्जन मामलों में पिछले 5 महीने से फरार चल रहा मोस्ट वांटेड और इनामी बदमाश रामकरण को तैयार कर लिया। रामकरण भैया पिचर को एक साथी के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश कर 7 दिन की कस्टडी में लिया है। यमुनानगर कुरुक्षेत्र के स्टेट हाईवे पर जूते की दुकान में देर रात लगी भीषण आग। दुकान में चमड़ा होने के चलते आग ने प्रचंड रूप लिया। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रेवाड़ी शहर में सरपट दौड़ते तेज रफ्तार ट्रॉलों ने लोगों में खौफ पैदा कर दिया है। एक तेज रफ्तार डंपर बेकाबू होकर बस स्टैंड के पास बने एक होटल में जा घुसा। कई लोग जख्मी हो गए। दुकान के नुक्कड़ पर लगा बिजली का पोल भी तारों सहित सड़क के बीचों बीच जा गिरा। हादसे के बाद चालक परिचालक मौके से फरार हो गए। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। टोहाना के नागरिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में सांप मिलने से हड़कंप। इसके चलते मरीज इधर उधर भागने लगे। मरीजों ने इसकी सूचना नागरिक अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर सतीश गर्ग को दी। बताया जा रहा है कि अस्पताल में मिला ये सांप जहरीला होने के साथ साथ लगभग 8 फीट से ज्यादा लंबा था। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद सांप को पकड़कर अस्पताल की सीमा से बाहर छोड़ा गया। लघु सचिवालय की आपातकालीन सेवाएं राम भरोसे हैं। परिसर के तीनों तलों पर अगर कहीं भी आगजनी की घटना होती है तो यहां लगे फायर एक्सटिंग्विशर काम नहीं आएंगे। इसकी वजह ये है कि एक्सपायर हो चुके हैं। साल 2016 के अक्टूबर महीने में ये सभी अपनी तय सीमा पूरा कर चुके हैं। करीब 8 महीने बीत जाने के बाद भी किसी अधिकारी का ध्यान इस ओर नहीं गया। उकलाना में नगर पालिका पार्षदों की एक बैठक चेयरमैन गुड्डी देवी की अध्यक्षता में हुई। इसमें नगर में भविष्य में कराए जाने वाले कार्यों को लेकर विचार विमर्श किया गया और 22 प्रस्ताव पास किए गए। बैठक में प्रस्ताव पर 10 करोड़ रुपए से विकास कार्य करवाने का भी प्रस्ताव पास हुआ। अब उम्मीद जताई जा रही है कि उकलाना का पिछड़ापन दूर होगा और नागरिकों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करवाया जा सकेगा। चेयरमैन गुड्डी देवी और वाइस चेयरमैन राजेश बंसल ने बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से 22 प्रस्ताव पास किए गए। इनमें पानी की निकासी के लिए 2 पंप सेट्स खरीदे जाएंगे। नगर में पानी की टंकियां बनवाई जाएंगी। जल भराव वाले स्थानों को समतल किया जाएगा। टोटल न्यूज की खबर का असर हुआ है। जिला कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर कमल गुप्ता ने पिछली बार की घटना पर संज्ञान लेते हुए मीटिंग शुरू करने से पहले अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी अधिकारी काम की जगह खेल का अखाड़ा न बनाए। गौरतलब है कि पिछली मीटिंग के दौरान डब्बाली की एसडीएम संगीता तेतरवाल मोबाइल पर गेम खेलते कैमरे में कैद हुई थी, जिसे हमारे चैनल ने प्रमुखता के साथ दिखाया था। हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में वरिष्ठ नागरिकों को किराए में 50% की मिलेगी छूट। अन्य राज्यों के गंतव्य स्थानों पर भी छूट मिलेगी। निशुल्क एवं छूट प्राप्त यात्रियों को यात्रा से पहले लेनी होगी आधार आधारित बायोमेट्रिक के साथ अटैच ई टिकटिंग। हिमाचल सिक्किम और केरल के बाद ग्रामीण क्षेत्र में खुले में शौच से मुक्त होने वाला देश का चौथा राज्य बना हरियाणा। प्रदेश की सभी 6,205 पंचायतें खुले में शौच से मुक्त हो गई हैं। इसका ऐलान करते हुए कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने बताया कि हरियाणा ने तय समय से पहले अपना लक्ष्य हासिल कर लिया।